हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुजीत, मैं आपका अपने चैनल सुजीत कुमार ब्लॉग्स में एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, रियलमी ने अपना नया फोन रियलमी 3 लॉन्च किया है, जो कि 12 मार्च को फर्स्ट सेल फ्लिपकार्ट हुई थी, उस सेल में मैंने रियलमी 3 परचेज किया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या खासियत है। जैसे कि कंपनी ने बताया है, इसका प्रोसेसर बहुत अच्छा है, बिग बैटरी लाइफ है इसमें। तो देखते हैं इस बॉक्स में क्या क्या मिलती है, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और ओवरव्यू जानते हैं इसमें क्या क्या हमें मिल रहा है। कीमत जो इसकी है 8,999 रुपए, लेकिन मुझे आफ्टर 500 डिस्काउंट HDFC क्रेडिट कार्ड के बाद 8,500 का मिला है। तो बॉक्स खोलते हैं और देखते हैं कि 8,500 को ये बॉक्स कितना जस्टिफाई करता है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्लीज ऐसी मजेदार अनबॉक्सिंग के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नीचे लाल कलर के बटन को दबा के। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा बॉक्स ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या कॉन्टेंट है और फर्स्ट लुक देखते हैं रियलमी 3 का। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बॉक्स देखते हैं। बॉक्स पे सिर्फ सिंपल से यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे रियलमी की ब्रांडिंग है। अगर हम इसके बॉक्स की अगर फोन की बात करें तो ये 32GB और 3GB रैम के साथ है। इसका जो कलर है वो है डायनामाइट ब्लैक। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे और कुछ तो लिखा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग वाई का मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा हुआ है। यहाँ पे रियलमी 3 की ब्रांडिंग है। पीछे क्या डायनामिक ब्लैक, जैसे मैंने कहा डायनामिक ब्लैक यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। तो चलिए बॉक्स खोलते हैं फिर हम। बॉक्स खोलते के साथ ही सबसे पहले हमें एक सेक्शन मिलता है, जिस सेक्शन के अंदर देखते हैं शायद कुछ पेपर वर्क। जी हाँ, कुछ पेपर वर्क है इसके अंदर। क्विक यूजर गाइड है और एक ट्रांसपेरेंट कवर है रियलमी 3 फोन के लिए, जो इस फोन को सुरक्षा देगा। इसके बाद इसके नीचे सेक्शन में हमें पे फोन मिलता है जो कि रैप करा हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं। इस फोन को भी साइड में रखते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में और क्या 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 कॉन्टेंट है। पहले इसकी बात करते हैं तो इसमें मिलता है हमें तो सबसे पहले अगर चार्जर की बात करें, चार्जर में आउटपुट मिलता है 5V x 2A। केबल की बात करें तो इसमें माइक्रो USB का केबल दे रखा है और कुछ इसमें है नहीं। सिम इजेक्टेड टूल मुझे कहीं दिख रहा नहीं है, शायद सिम इजेक्टेड टूल देना भूल गए। नहीं, सिम इजेक्टेड टूल यहाँ पे है। तो सारे बॉक्स कंट्रोल को साइड में रखते हैं, फोन को देखते हैं। पहले अनरैप करते हैं फोन को। फोन का अगर आप ओवरव्यू देखें, स्टिकर को पहले मैं हटा दूंगा इससे। तो डायनेमिक ब्लैक में फोन है, 13 मेगापिक्सल प्लस 3 मेगापिक्सल। उसका LED फ्लैश लाइट दे रखी है। ये हमारा सेंसर है। यहाँ पे रियलमी की ब्रांडिंग है। अगर मैं साइड कॉर्नर की बात करूं तो यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन है। ऊपर की बात करूं तो ऊपर कुछ नहीं है, प्लेन है जैसा आप देख सकते हैं। इस साइड की बात करूं तो यहाँ पे एक सिम जैक टूल ट्रे है। देखते हैं कि इसमें हाइब्रिड स्लॉट है या नहीं है। इसमें हाइब्रिड स्लॉट है, मतलब कि 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड हम इसमें लगा सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ट्रे को पहले हम फोन के अंदर लगा देते हैं। इस साइड की और बात करते हैं तो यहाँ पे पावर, इन दूसरे साइड की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर है ऑन प्लस माइनस के लिए। नीचे की बात करें तो यहाँ पे माइक ग्रिल है, चार्जिंग के लिए माइक्रो USB का पोर्ट है और यहाँ पे हमारा चाहिए था 3.5mm का जैक इसमें मौजूद है। सामने की बात करें तो सामने एक ड्रॉप नॉच के साथ 6.2 इंच का डिस्प्ले है, अगर मैं सही हूं तो। देखते हैं फिर इसको ऑन करके, बैटरी तो थोड़ी बहुत होती है। जी हाँ, जैसे देख सकते हैं आप, पावर्ड बाय एंड्रॉइड रियलमी का ब्रांडिंग और फोन ऑन हो गया है।
जल्दी से मैं सेटअप कर लेता हूँ इस फोन को। लैंग्वेज कंटिन्यू, वाईफाई को भी स्किप कर देते हैं, कंटिन्यू, मोर, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, सेटिंग। अभी हम आसान सा एक पासवर्ड रखते हैं, 1 2 3 4 5 6, यूज 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड रखा हमने। फेस अनलॉक के लिए आ गया है, अब यहाँ पे फेस अनलॉक हो चुका है, फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए बोल रहा है। कंटिन्यू स्टार्ट एक्सपीरियंस। कलर ओएस इसके अंदर 6 है। तो फोन का फर्स्ट लुक दोस्तों ये है, जैसे मैंने सारी कॉन्फ़िगरेशन की थी, फोन का फर्स्ट लुक है ये। इसे लॉक की बात करें अगर हम, तो जैसे कि आप देख सकते हैं फोन पूरी तरह सेटअप हो चुका है। फोन चलाने में बहुत वो है, इसमें अगर कलर ऑयस की बात करें तो इसमें कुछ नए फीचर्स आए हैं जो कि अब ऐप यहाँ से हमारा खुलता है और जो भी हमारे रिसेंटली ऐप होंगे वो हमें ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले हम सेटिंग में आकर देखते हैं अबाउट फोन में, वहाँ पर क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ से हम सेटिंग में गए उसके बाद फिर हम अबाउट फोन में जाते हैं। अबाउट फोन में हम कलर ऑयस वर्जन देखते हैं, जैसे कि वर्जन दिख रहा होगा 6, एंड्रॉयड वर्जन ये 9.5 पे चल रहा है ये फोन। होपफुली कुछ अपडेट आ जाए तो बहुत अच्छा है। इसके अगर पैच की बात करें हम तो 5 जुलाई 2019 का पैच है इसमें, सिक्योरिटी पैच। और कुछ चीज़ें अगर हम देखें, जैसा कि कंपनी ने क्लेम किया है कि ये उन्होंने गेम फोन बनाया है, और कैमरा पहले देखते हैं कैमरे की क्वालिटी कैसी है इसकी। कुछ अगर मैं शॉर्ट लूँ, कुछ मैं अगर शॉर्ट लूँ इस कैमरे के कैमरे से देखते हैं। ओके, जो क्लियरिटी है वो मुझे लगता है अच्छी आई है। कुछ और देखते हैं और क्या क्या कैमरे में, 2x zoom 1x zoom 2x zoom 2x zoom में अगर हम लें, सही से दिख रही है इसमें। फ्रंट फेसिंग कैमरे की बात करें हम तो मेरे साथ सुशील जी कैमरे के साथ जो है देखते हैं। सही है ये। मैं जैसे कि मेरे पास आईफोन 7 है जो मेरा प्राइमरी फ़ोन है, मैं इसको एज ए सेकेंडरी फ़ोन यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। कुछ मुझे चीज़ें इसमें कुछ लगती हैं सही कि मुझे दूसरी वीडियो अगर बनानी चाहिए, एक मिनट यूज़ करने के 2 मिनट यूज़ करने के बाद, तो मैं ज़रूर इसको इसकी वीडियो बना के फीडबैक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए आप नीचे दिए गए खूबसूरत से लाल कलर के बटन को दबा सकते हैं। जैसे आप बटन दबाएंगे उसके साथ ही एक बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन को दबाएं जिससे कि मेरी वीडियो की लेटेस्ट वीडियो की और अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तो बस दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।